सभी को प्यार भरा नमस्कार। यूँ तो फिजिक्स का कार्य ही है कि जो भी फेनोमेना है उसके पीछे के कारण को पता लगाना, उसके पीछे के रहस्य को, सीक्रेट को रिवील करना। लेकिन आज हम लोग एक ऐसे फोर्स की बात करने जा रहे हैं जिसके पीछे का रहस्य बहुत हद तक तो सॉल्व हो चुका है, फिर भी अभी बहुत कुछ होना बाकी है। ऐसे आपने अब तक जितने फोर्सेस पढ़े हैं सबके पीछे जो कारण है, जो उसके एक्सप्रेशंस हैं, जो उसके कैलकुलेशंस हैं, आपने देखे हैं, किए हैं, आप जानते हैं। लेकिन आज हम उस फोर्स की बात करने जा रहे हैं, यूँ तो वो फंडामेंटल फोर्सेस का एक पार्ट है, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है, इसके बावजूद उसमें काफ़ी रहस्य छिपा हुआ है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ न्यूक्लियर फोर्स की। तो न्यूक्लियर फोर्स के बारे में यह जान लीजिए कि ये स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स है जो न्यूक्लियंस बोलने का मतलब न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स को इनसाइड द न्यूक्लियस हेल्ड करके, बांध करके रखता है। अब इस फोर्स के लिए आप एक ग्राफ देख लें, पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस सेपरेशन बिटवीन न्यूक्लियंस। इस ग्राफ से कुछ सीक्रेट रिवील होंगे, जैसा कि आपको ये फिगर दिख रहा है। तो एक तरफ आपने पोटेंशियल एनर्जी और दूसरे तरफ सेपरेशन बिटवीन न्यूक्लियंस को फर्मी में रखा है। आप देख रहे होंगे कि अबाउट 0.8 फर्मी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होने का मतलब एक बात जान लीजिए कि वो कांस्टेंट है, और अगर कांस्टेंट है तो एफ और पोटेंशियल एनर्जी के बीच में जो हमारे क्लासिकल फिजिक्स में रिलेशन है उसके आधार पे फोर्स जीरो होना चाहिए। और जब पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होता है तो फोर्स अट्रैक्टिव होता है, पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव होने के साथ ही फोर्स रिपल्सिव भी हो जाता है। तो अगर आप इस ग्राफ से देखेंगे तो आपको 0.8 फर्मी के पहले अगर उससे कम दूरी पे न्यूक्लियंस हैं तो इसका मतलब उनके बीच का फोर्स रिपल्सिव होगा। यानी एक खास रेंज के बीच में ही आप देख रहे हैं कि पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव एज वेल एज वेरिएबल है, और उसी रेंज में न्यूक्लियर फोर्स कैसा होगा, तो अट्रैक्टिव होगा। और इसीलिए जब आप प्रॉपर्टीज पढ़ने जाएंगे तो उसमें सबसे पहली बात तो जो मैंने कहा था कि न्यूक्लियर फोर्स स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स जो कि नेचर में एग्जिस्ट करता है वह है। आप ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रोस्टैटिक और न्यूक्लियर फोर्स को कंपेयर करेंगे तो रेशियो कुछ 1:10^36:10^38 आएगा। दूसरी बात कह रहे थे कि न्यूक्लियर फोर्स एक शॉर्ट रेंज फोर्स है, जो कि ग्राफ से भी क्लियर था, और साथ ही साथ ये सैचुरेटेड भी है। सैचुरेटेड बोलने का मतलब ये अपने नियरेस्ट नेबरिंग न्यूक्लियन के साथ ही अट्रैक्शन शो करता है, दूर वाले न्यूक्लियन के साथ ये अट्रैक्शन शो नहीं करता। इसके बाद अगर हम बात करें तो न्यूक्लियर फोर्स बेसिकली चार्ज इंडिपेंडेंट है। जैसा कि आप देख रहे होंगे, प्रोटॉन और प्रोटॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक के हिसाब से उसमें रिपल्सन होना चाहिए, लेकिन न्यूक्लियस के अंदर अगर वही दो प्रोटॉन हैं बहुत टाइनी स्पेस में रह रहे हैं और एक दूसरे को रिपेल नहीं कर रहे हैं, तो यह भी अपने आप में आश्चर्यजनक चीज़ है। इसका मतलब क्या है कि वहाँ पर जो फोर्सेस लग रहे हैं चार्ज होने के बावजूद या चार्ज नहीं होने के बावजूद भी न्यूट्रॉन में, या एक चार्ज और एक न्यूट्रल होने के बावजूद, वो दोनों सेम हैं। नेक्स्ट एक और बात है, आपको पता होगा कि न्यूक्लियंस भी, मतलब न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन भी अपने एक्सिस के अबाउट स्पिन करते हैं, और इस हिसाब से जो न्यूक्लियंस पैरेलल स्पिन शो करेंगे उनके बीच का फोर्स ज़्यादा होगा, और जो एंटी पैरेलल स्पिन शो करेंगे उनके बीच का फोर्स कम होगा। ओके, नेक्स्ट जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है न्यूक्लियर फोर्स के बारे में वो है न्यूक्लियर फोर्स इज एन एक्सचेंज फोर्स। एक्सचेंज फोर्स बोलने का मतलब थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा, और इस थ्योरी को सामने लाने वाले साइंटिस्ट जापान के थे, युकावा। अगर उनकी थ्योरी की बात जो अब तक सच मानी जाती है, मानली थ्योरी और मेसोन थ्योरी अब तक का सबसे रिलायबल थ्योरी है
अबाउट न्यूक्लियर फोर्स। उनके हिसाब से जितने भी न्यूक्लियॉन्स हैं, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन की बात करें, सभी आइडेंटिकल कोर से बने हुए हैं। हाँ, उनके ऊपर एक क्लाउड या लेयर चढ़ा हुआ है जिसको हम लोग मेसन क्लाउड कहते हैं। ये ठीक उसी तरह से कंपेरिजन कर सकते हैं जैसे कैंडी आते हैं तो कैंडी के फ्लेवर अलग अलग होते हैं, लेकिन अंदर वाला पार्ट जो है वो शुगर का ही एक बॉल है। तो उसी हिसाब से यहाँ पर कोर को आप शुगर बॉल मान लें और ऊपर का लेप वो पायोन का है। बेसिकली आप पायोन की बात करेंगे तो वो आपस में एक्सचेंज होते रहते हैं और इसी एक्सचेंज की वजह से न्यूक्लियर फोर्स डेवलप होता है। इसीलिए ये एक्सचेंज इंटरेक्शन फोर्स है। पायोन बेसिकली आपको तीन तरह के मिलेंगे, एक तो पॉजिटिव जिसको पाई प्लस बोलेंगे, एक नेगेटिव जिसको पाई माइनस, और एक न्यूट्रल जिसको पाई जीरो। ओके, इसके बाद आप एक कंपेरिजन देख सकते हैं, जैसे कि पाई प्लस और पाई माइनस का मास बताया गया कि इलेक्ट्रॉन से ये करीबन 273 टाइम्स हैवियर होते हैं, जबकि पाई जीरो की बात की जा रही है ये 264 टाइम्स हैवियर देन इलेक्ट्रॉन होते हैं। ओके, अब आगे हम लोग आगे बात कर लें कि ये मेसोन, जैसा कि पहले भी लिखा हुआ है, ये सराउंडेड होते हैं न्यूक्लियंस के चारों ओर। ठीक है, अब मेन पॉइंट ऑफ मेसोन थ्योरी अगर हम देखना चाहें, फिर से वही जो मैंने वन बाय वन कहा था कि कंटिन्यूस एक्सचेंज होते रहता है और इस एक्सचेंज के कारण ही ये फोर्स डेवलप होता है ताकि न्यूक्लियंस उस टाइनी स्पेस में बाउंडेड रहें। नेक्स्ट पॉइंट है कि एक न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन कभी भी परमानेंटली न्यूट्रॉन नहीं है या प्रोटॉन परमानेंटली प्रोटॉन नहीं है, ये आपस में एक्सचेंज करते रहते हैं। तो इस एक्सचेंज के लिए आपको कुछ रिलेशंस भी मिलेंगे जिसको हम लोग देख लेंगे। अभी जैसे न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन के बीच का जो फोर्स डेवलप होता है वो पाई जीरो मेसोन के कारण, एक्सचेंज ऑफ पाई जीरो या पाई न्यूट्रल मेसोन के कारण, जबकि आप प्रोटॉन एंड प्रोटॉन की बात करेंगे तो यह भी पाई नॉट या पाई जीरो मेसोन के कारण ही होगा। जबकि आप बात करेंगे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच का फोर्स तो ये पाई प्लस और पाई माइनस के कारण। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो रहा है बाय इमिशन ऑफ पाई प्लस, जबकि एक प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो रहा है बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ पाई माइनस। और ये पाई प्लस और पाई माइनस जब आपस में इंटरेक्ट करेंगे तो फिर इस इंटरेक्शन के कारण न्यूक्लियर फोर्स डेवलप हो जाएगा। तो इन सब बातों को अगर हम ध्यान में रखें, ये इतने शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए होता है कि फ्री मेसोन पार्टिकल को आप डिटेक्ट नहीं कर सकते। ये न्यूक्लियस के अंदर ही जो फेनोमेना हो रहा है उसी में आप इसके इमेजिनेशन या कल्पना कर सकते हैं। ओके, होपफुली आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।